अगर आपको भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, फुल सेटिंग्स करनी है कि कैसे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, साथ ही में अपने वॉइस को भी कैसे रिकॉर्ड करने, अगर आपको भी फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है तो इस वीडियो को फुल देखिए। आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कैसे आपको IQ Z9X में करनी है। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी इससे रिलेटेड जो भी वीडियोज में बनाऊंगा सारा का सारा आपके नोवाइक में पहुंचेगा। चलिए ले जाता हूँ फोन डिस्प्ले। सिंपली आपको सेटिंग्स पे आ जाने की, आने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाने की। नीचे आने के बाद एक ऑप्शन आपको दिख रहा हो यहाँ पे शॉर्टकट एज एसेसिबिलिटी करके, तो शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी पे क्लिक कीजिएगा। और क्लिक करने के बाद एस कैप्चर करके एक ऑप्शन आपको दिख रहा हो, एस कैप्चर पे क्लिक कीजिएगा। एस कैप्चर पे जैसे ही क्लिक कीजिए तो नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे दिखाएंगे, तो डिस्प्ले टच ट्रैजेक्टरी, तो सिंपली इसे इनेबल कीजिएगा तो जहाँ जहाँ आप टच करते हैं वो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्ड साउंड, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे सिस्टम का साउंड रिकॉर्ड करना चाहते हैं या फिर माइक्रोफोन आइडियो जो आप बोलते हैं उसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, तो सिंपली आप टू पे कर सकते हैं। अगर आप दोनों को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जो बोले वो भी और साथ ही में जो फोन में जो भी साउंड है वो भी रिकॉर्ड हो, तो सिंपली थर्ड वाले पे आपको क्लिक कर देने होगी। उसके बाद पिक्चर क्वालिटी पर आपको हाई रखना, अगर आपको हाई नहीं है और लो है या फिर मीडियम आ रहा ऑप्शन तो सिंपली आप मीडियम भी कर सकते हैं और चाहे तो आप हाई भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे करने के बाद आपको नीचे आ जाएगी और डिस्प्ले नोटिफिकेशन व्हील रिकॉर्डिंग इसे इनेबल कीजिएगा, तो जब भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे आपको डिस्प्ले पे एक भी नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा। ये काफ़ी कमाल की फीचर्स इसमें दी हुई, तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद ऑटो सेलेक्ट डायनेमिक एरिया, तो इसे इनेबल कीजिएगा तो ऑटोमेटिक जहाँ रिकॉर्डिंग करनी हुए हैं वहाँ आपको रिकॉर्डिंग करके सेलेक्ट करके आपको रिकॉर्डिंग करके दे देगी। अब ये तो हो गया सेटिंग्स, अब बताता हूँ कि रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। तो ऊपर से सिंपली आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन दिखा है, रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना होगा और देख सकते हैं इस तरह का आपको रिकॉर्ड होने लगा। तो आप इस तरह से यहाँ पर अपने IQ Z9X 5G में और स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। आपको वीडियोज अच्छी लगी तो वीडियोज को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब के प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा।